तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एएमडी के बारे में। एएमडी अपने जो पुराने जो प्रोसेसर्स थे जैसे कि एंथलॉन या ए सीरीज के जितने भी प्रोसेसर्स थे उनको दोबारा से रीलॉन्च कर दिया है, लेकिन फ़र्क ये है कि जो पहले जो सॉकेट यूज़ होता था AM3 या AM3+, अब उसकी जगह सॉकेट यूज़ करेंगे AM4। ये वही सॉकेट है दोस्तों जो कि यूज़ होता है राइजन प्लेटफॉर्म में, जैसे कि Ryzen 3, Ryzen 5 या Ryzen 7 में। तो दोस्तों मैं हूं अब्दुल राशिद और आप देख रहे हैं द इंडियन बजट गेमर। सो लेट्स बिगिन। तो अब आप कह सकते हैं प्रोसेसर वही पुराना वाला, लेकिन जो आर्किटेक्चर है, जो सॉकेट है वो नया वाला है। इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा जैसे कि अगर आप बजट कम है आपका, बहुत ज़्यादा कम है, और आप चाहते हैं कि लेटेस्ट सिस्टम बिल्ड करना, तो आप पुराना कोई भी प्रोसेसर खरीद सकते हैं बहुत ही कम पैसों में और उसका आप PC बिल्ड ईजिली कर सकते हैं। और बाद में जब आपके पास पैसा इतना हो जाए तो आप Ryzen 3 या Ryzen 5 पर भी अपग्रेड कर सकते हैं ईजिली। तो दोस्तों अब बात करते हैं, ये जो नए प्रोसेसर्स आए, क्या इनमें वाकई कोई चेंज है? क्या ये नए Zen आर्किटेक्चर पे बेस्ड हैं या पुराने बुलडोजर ही या एक्सकेवेटर? जैसे इंटेल में चलता है स्काईलेक कैबिनेट, वैसे ही AMD में चलता है बुलडोजर एक्सकेवेटर। तो और जो सबसे लेटेस्ट जो आर्किटेक्चर AMD साइड पे चल रहा है वो है Zen आर्किटेक्चर, जिस पे Ryzen बेस्ड है। तो दोस्तों ये जो जितने भी सारे प्रोसेसर लॉन्च कर रहे हैं AMD ने, वो जो जिनका बेसिक आर्किटेक्चर है वो आज भी बुलडोजर ही है। तो जहाँ की तो इस पर हमें जो परफॉर्मेंस डिफरेंस है जो पुराने प्रोसेसर्स में और नए प्रोसेसर्स में, वो कोई ख़ास नहीं दिखेगा। तो उन्होंने सिर्फ सॉकेट ही चेंज करा है। तो यहाँ पर हमें परफॉर्मेंस का आइडिया लेने के लिए हमने यहाँ पर अपने इंटेल, जो हमारी इंटेल की टीम है, उसमें से सबसे जो लेटेस्ट का प्रोसेसर है G4560, और कह सकते हैं जो सबसे पॉपुलर है, मैंने उसको कंपैरिजन के लिए लिया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर AMD के जो रीलॉन्च्ड प्रोसेसर हैं उनके बारे में बता देते हैं। AMD का जो यहाँ पर हमने प्रोसेसर लिया है वो है एंथलॉन 4X950, जो 4 कोर और 4 थ्रेड वाला प्रोसेसर है, जो उसकी बेस फ्रीक्वेंसी है 3.5 GHz, और ओवरक्लॉक करने के बाद ये चला जाता है 4.1 GHz। और AMD और दूसरा जो CPU है, हालांकि ये CPU नहीं है, APU है, AMD APU उतारता है। APU क्या होता है? CPU के कोर्स प्लस GPU के कोर्स। जी हाँ, यहाँ पे इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स की जगह एक इसके लिए स्पेसिफिक कोर्स लिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने AMD का जो APU लिया है वो है AMD A12 9800। तो दोस्तों ये है एक 12 कोर वाला प्रोसेसर, चौके नहीं, ये 12 कोर असलियत में 12 कोर नहीं है, जिसमें से केवल 4 कोर हैं और बाकी के 8 कोर हैं वो ग्राफिक प्रोसेसर्स हैं, कह सकते हैं इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स। तो दोस्तों अगर कीमत की बात करें तो AMD एंथलॉन 4X जो है वो हमें मिलता है $60 का, और A12 जो है वो हमें मिलता है $110 का, जो कि Ryzen की कीमत का ही है। और हमारा जो G4560 है वो है अब $80 का, जबकि लॉन्च हुआ था तो था $65 का। जो स्पेसिफिकेशन मिलता है वो है हमें 2 कोर और 4 थ्रेड। तो देखा जाए अगर कोर काउंट के मामले में, तो कोर काउंट के मामले में AMD दुगना है इंटेल से, लेकिन दोस्तों कोर काउंट ही सब कुछ नहीं होता, इंटेल हमेशा ही सिंगल कोर परफॉर्मेंस में AMD से कई गुना ज़्यादा आगे रहा है। तो दोस्तों अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, करेंगे कंपैरिजन 1060 ग्राफिक्स कार्ड लगाकर, और देखेंगे कौन कितना अच्छा वैल्यू फॉर मनी ऑफर करता है। तो दोस्तों बेंचमार्क आपके स्क्रीन पर ये रहे। तो दोस्तों बेंचमार्क देखने के बाद आपको भी पता चल गया होगा कि यहाँ पर कोर काउंट जरूरी नहीं है कि हमारे पास ज़्यादा कोर हो तो ही हमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा।
कभी कभी सिंगल कोर परफॉर्मेंस और मॉडर्न आर्किटेक्चर भी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है परफॉर्मेंस के मामले में, जैसे कि यहाँ पर हमें देखने को मिला G4560 के साथ। हालांकि दो कोर और चार थ्रेड वाला इजिली बीट कर सकता है 12 कोर AMD APU को। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं ऐसे नए नए टेक्निकल वीडियोस। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।